हमारे पास बहुत सारी मशीन्स हैं फेंसिंग के रिलेटेड जी, हमारे पास चेनलिंक है, वेलमेश है, ग्रासलैंड है, नॉट फेंस है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, फेंसिंग के बहुत बड़ा पोर्टफोलियो हम लोग लेकर आए हैं मशीनरीज का, जिस मशीन से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगी एंड प्रॉफिट बढ़ेंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, और आज आपको मैं लेके पहुंचा हूं इंडिया फेंस एक्सपो 2024 में, जो प्रगति मैदान में लगा हुआ है, और लेके पहुंचा हूं इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर, जो कि फेंसिंग मशीन आप लोगों के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं अंडर द वन रूफ। तो बात कर लेते हैं डायरेक्ट कंपनी में, न्यू बिजनेस क्या होने वाला है, किस तरीके से आप लोग जुड़ सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हाय सर। हाय सर, हाय, कैसे हैं आप सर? आई एम ग्रेट सर, हाउ आर यू? ऑल गुड सर। सो प्लीज, एक नई ऑडियंस जो हमारी है ना, उसको बताइए फेंसिंग के बारे में, किस तरीके की मशीन होती है और क्या क्या नया स्टार्टअप होने वाला है सब कुछ। आप सभी को मेरा नमस्कार जी। तो मैं सिक्योर फेंसिंग मैक्स से बात कर रहा हूँ। हमारे पास बहुत सारी मशीन है फेंसिंग के रिलेटेड जी। हमारे पास चेनलिंक है, वेलमेश है, ग्रासलैंड है, नॉट फेंस है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, फेंसिंग के बहुत बड़ा पोर्टफोलियो हम लोग लेकर आए हैं मशीनरीज का, जिस मशीन से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगी एंड प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो पर्टिकुलर देखा जाए तो सर, ये न्यू स्टार्टअप के लिए किस तरीके से कह सकते हैं बूस्ट होने वाला है प्रोडक्ट? न्यू स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। देखिए, जो फेंसिंग की दुनिया है जी, वो आज की डेट में फेंसिंग इज अ हाई डिमांड प्रोडक्ट। यस यस, चाहे चेनलिंग की बात करें, वेलमेश की बात करें, ग्रासलैंड, पीवीसी कोटेड वायर मेश, एनीथिंग, बहुत हाई डिमांड प्रोडक्ट है। आप रेजिडेंसीज भी देखेंगे, रेजिडेंशियल सोसाइटीज, जितने भी फार्म लैंड्स हैं, बिग प्लॉट्स ऑफ लैंड हैं, जितने भी फार्म हाउसेस हैं, एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, हर जगह फेंसिंग का यूज होना ही होना है। ठीक है, जिस भी जगह पे आपको प्राइवेसी चाहिए, जिस भी जगह पे आपको सिक्योरिटी चाहिए, वहाँ पे आपको फेंसिंग चाहिए चाहिए। ठीक है, पर्टिकुलर कह सकते हैं कि हर इंडस्ट्री और हर जगह पे काम आने वाला एक प्रोडक्ट होने वाला है। एग्जैक्टली, जहाँ पर आज तक हम लोग ब्रिक वॉल फेंसिंग देखते हुए आए हैं, राइट, या फिर हम लोग देखते हुए आए हैं सिंपल दीवार बना दिया, कुछ कर दिया, उसका एक बहुत अच्छा चीप ऑल्टरनेटिव एंड अ वेरी बेटर ऑल्टरनेटिव हमारे पास वायर मेश इंडस्ट्री पे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। अमेजिंग सर, अमेजिंग। ओके, सो दोस्तों चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं, और जितना भी प्रोडक्ट रेंज है एक एक करके दिखाते हैं, मशीनरी वर्किंग दिखाते हैं, किस तरीके से आप लोग जुड़ सकते हैं B2B में, और नया बिजनेस करने वाले के लिए क्या खास होने वाला है, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सपोर्ट करके जरूर जाइए, ताकि ऐसी बिजनेस आइडिया वीडियो आते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फेंस जो पूरे इंडिया में आज की डेट में यूज होता है वो है चेन लिंक फेंस। इस टाइप का बंडल ये क्रिएट होता है। यहाँ पर चेनलिंग फेंस का आपको यूज़ बता देता हूँ। बेसिकली ये बहुत ही फ्लेक्सिबल फेंस होता है, एंड साथ में इसकी जो स्ट्रेंथ होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। ये आपके रेजिडेंसेस में, आपके एग्रीकल्चर में, फार्म लैंड्स में प्लॉटिंग करने में, हर जगह चेनलिंग फेंस का यूज़ होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द मशीन ऑफ चेनलिंग फेंस। बहुत ही ईजी मशीन है, एंड मात्र एक ऑपरेटर चाहिए जो आपका पूरा मशीन मैनेज कर लेता है। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, फुल्ली ऑटोमेटिक है। इसके अंदर क्या होता है, आपको एक साइड से बस वायर फीड करनी है और दूसरी साइड से आपको रोल बाहर करना है। एक सिंगल ऑपरेटर पूरा मशीन मैनेज कर लेता है। दिस यू आर लुकिंग एट, दिस इज़ द पैनल ऑफ आर मशीन। बहुत ही सिंपल पैनल है। इसके अंदर आप नेविगेट कर सकते हो कि मशीन की स्पीड क्या रखनी है आपको, मशीन आपको जो जाली क्रिएट करनी है, जो आपको मैश क्रिएट करनी है, उसको किस साइड की क्रिएट करनी है। साथ में आप मैनेज कर सकते हो कि इसका आपको साइज़ क्या रखना है, एंड और भी चीज़ें आप इसके अंदर आराम से मैनेज कर सकते हैं। पर्टिकुलर जो कस्टमाइज है, अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं ना इसमें हम। मशीन जो भी है, आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती है वो कस्टमर आप कस्टमाइज उसके अकॉर्डिंगली करा सकते हो। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर जैसे ये मेश साइज है, इसको मेश साइज कहते हैं। ये जो डायमंड शेप देखे मेश साइज कहते हैं। आप 1.5 inches to 4 inches कोई भी मेश साइज हमारी मशीन में क्रिएट कर सकते हो। इसके अंदर कोई भी टाइप की वायर चल सकती है, GI वायर, PVC वायर या SS वायर। फाइनल आउटपुट ऑफ द मशीन, ठीक है। तो पर्टिकुलर इसकी पर डे के हिसाब से हम इसमें कितना मतलब लेके चलते हैं कि पर डे के साथ आउटपुट कितना चलता है? डिपेंड करता है आप मशीन कौन सी ले रहे हैं, मशीन कितनी ऑटोमेशन की ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमने इंडिया फेंस एक्सपो में जो अभी डिस्प्ले कर रखा है, दिस इज डबल वायर फुल्ली ऑटोमेटिक चेनलिंग मशीन। यहाँ पे क्या है, जो ये मशीन है आपका अराउंड 2.5 to 3 tons 10 to 12 hours में क्रिएट कर सकती है। एंड इसके बाद में सिंगल वायर ऑटोमेटिक मशीन आती है, वो 1.5 से 2 tons माल आपका आराम से क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो मतलब इजी टू यूज भी होने वाली है पर्टिकुलर ना ये मशीन। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ मशीन, फिर आप लोग गेस करना कि ये मशीन इजी है डिफिकल्ट है। एज आई टोल्ड, सिंगल ऑपरेटर चाहिए। ये मशीन हमने इसलिए बनाई है कि जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनका दिमाग बस सेल के अंदर लगा रहे, फैक्ट्री के ऑपरेशन को लेकर उनकी टेंशन कभी ना हो। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा सिंगल ऑपरेटर, एक मशीन पूरा एक सिंगल ऑपरेटर मैनेज आराम से कर सकता है। अब मैं आपको मशीन ऑन करके दिखाता हूँ।
मशीन ऑटोमेटिकली यहाँ पे वायर फीड कर रही है, वायर यहाँ से निकल कर इस डाई के अंदर जा रही है, ये जाके उसकी कटिंग होती है। जैसे मैंने यहाँ पे 6 फीट हाई डाली है तो 6 फीट पे जाके वायर अपने आप कट कर रहा है। यहाँ पे इस पार्ट पे वीविंग हो रही है, वीविंग होके यहाँ पर अगर मैं इसको कर दूँ ओपन तो पूरा मैच मेरा खराब हो सकता है, तो इसके लिए हमारा ये मशीन काम आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मैच के साइड के एजेस जो है वो लॉक हो जाते हैं, साइड के एजेस लॉक हो जाते हैं। यू कैन ईदर डू दिस ट्विस्टिंग या फिर उस साइड आप, हमने नकल भी कर रखा है, आप नकल भी बना सकते हैं, नकल ट्विस्ट, ट्विस्टिंग ट्विस्टिंग एंड नकल नकल, हर टाइप की क्रिएशन आप इसके अंदर कर सकते हैं डिपेंडिंग व्हाट योर कस्टमर वांट। तो वायरिंग की थिकनेस वगैरह तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप जो वायर रखना थिकनेस रखना चाहते हैं कर सकते हैं, 8 गेज टू 1.6 तो 16 गेज आप कोई भी वायर इसके अंदर आराम से चला सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो इससे निकलता है, तो ये कह सकते हैं कि जंग वगैरह लगने वाला ऐसा कुछ तो प्रोडक्ट नहीं होता है? सर डिपेंड करता है वायर किस क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं, अगर आप आम कमर्शियल वायर की बात करें तो 5 to 6 years तक उसकी लाइफ होती है अच्छी खासी। अब आप कोई अच्छी हैवी क्वालिटी की वायर यूज़ करते हैं, अच्छी कंपनी की वायर यूज़ करते हैं, तो फिर उसके अंदर आपका जो प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी बेटर होती है, उसकी लाइफ भी बेटर हो जाती है। ये हमारी पूरी सिक्योर फेंसिंग की टीम है जो कि आज इंडिया फेंस एक्सपो में आ रखी है। अभी जो आप पीछे मशीन देख रहे हैं मेरे, दिस इज़ अ वेरी प्रीमियम प्रोडक्ट, वेरी रिफाइंड प्रोडक्ट, दिस इज नॉट फेंस मशीन। इसके अंदर आप स्पेशल बात यह है कि आम वीविंग के मुकाबले इसकी जो पावर है, इसकी जो स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा हाई होती है। ओके, यहाँ पे जो है क्रॉस वायर को एंड लाइन वायर को दोनों को हमने नॉट को नॉट से जोड़ रखा है, इसकी वजह से क्या है, इसकी जो मजबूती है आम मेश के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा ऊपर होती है। तो नेक्स्टिंग क्या होती है कि स्पेशली हमने अपने किसान भाइयों के लिए बनाई है। किसानों के लिए क्या होता है कि उनको चाहिए होता है कि उनके खेत में कोई भी छोटा जानवर ना जाए, ना ही कोई बड़ा जानवर जाए, तो ये मैश उसके काम करती है। यहाँ पे ना जब आप इसका बंडल खोलेंगे सर, तो आपको क्या इसमें फ़ायदा मिलेगा कि नीचे की तरफ आपको 3 इंच के मैश बॉक्सेस मिलेंगे। मैश बॉक्स ही हो गया जिसको है, तो नीचे आपको ये 3 इंच का साइज मिलेगा, ऊपर आपको 4 इंच का साइज मिलेगा, और ऊपर आते आते 6 इंच का आपको साइज मिलेगा। मतलब वो डिपेंड करता है ना। हाँ जी, इससे क्या होता है, नंबर ऑफ वायर जो आपकी पूरी जाली के अंदर लग रही है वो कम लग रही है, इससे जो टोटल वेट है वायर मैश का वो कम हो जाता है, किसानों को इस चीज़ में कॉस्ट बेनिफिट मिलता है काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट थिंग इसका एक और फायदा है कि चेनलिंग के मुकाबले या इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप हाई टेंसाइल वायर को भी यूज़ कर सकते हो। ओके, जब आप इसमें हाई टेंसाइल वायर यूज़ करते हो तो ये मैश इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाती है कि आप इसके ऊपर स्टेप करके चढ़ भी सकते हो। दूसरी चीज होती है सर कि वारंटी मिलने के बाद 1 साल बाद क्या होगा, हम जितनी भी मशीन देते हैं हम प्रॉपर रिलेशंस पे देते हैं। ओके, हमारे पास जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आते हैं सारे के सारे रेफरल से आते हैं। बेसिकली हमारे कितने सारे क्लाइंट्स हैं आज की डेट में, 10-10 मशीन 15-15 मशीन भी हमारी चला रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि हमारा जो सर्विस बैकअप है वो बहुत अच्छा है। एक आप गाड़ी लेते हैं सर, गाड़ी की आपको बेसिक ध्यान खुद से रखना होता है, बेसिक चीज़ें देखनी होती है, तो सेम आपको ध्यान एक बच्चे की तरह अपनी मशीन का रखना होता है। जितना आप मशीन का ध्यान रखेंगे उतना अच्छी लाइफ बनेगी। बाकी उसके अलावा हम बैठे हैं, कोई भी मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई स्पेयर पार्ट में इशू आता है, यहाँ तक कि अगर आपका स्क्रू भी डिस्ट्रॉय हो जाता है उसके लिए हम बैठे हैं, वी विल मेक श्योर कि आपके पास वो स्पेयर पार्ट जल्द से जल्द अवेलेबल हो। तो उसके अंदर आप एक स्पेशल फीचर आता है वी बेंड का। बेसिकली क्या होता है, अभी आपको ये स्ट्रेट वायर दिख रही है, इसके अंदर स्पेशल फीचर होता है जिसके अंदर जो स्ट्रेट वायर है इसके अंदर हम एक वी कट डाल देते हैं, जिसकी वजह से एक वी बेंड यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से जो मैश है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, एंड लाइफ भी उसकी वजह से बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो वी बैंड का जो कॉस्ट है उसकी वजह से थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाता है, बाकी दिस इज द प्राइस ऑफ द मशीन। ठीक है, तो पर्टिकुलर ये मशीन भी हमें हिसाब से ले सकते हैं, अगर हमारे को साइज के अकॉर्डिंगली लेनी है, छोटा लेना, बड़ा। एग्जैक्टली, जो इसमें जितने भी क्रॉस वायर हैं वो एडजस्टेबल हैं, आप इसमें इसको 2 इंच की हाइट भी रख सकते हैं, 5 इंच की हाइट भी रख सकते हैं, 2 इंच to 5 इंच एडजस्टेबल। ठीक है, कोई और मशीन जो हम देखना चाहें? डेफिनेटली, इसके अलावा वी हैव अ मल्टीपल वैरायटी ऑफ मशीन, जैसे मैंने वेल्डमेज बताया,
टी बैंड मशीन बताई, वी बैंड मशीन बताई, इसके अलावा वी हैव पीवीसी वायर कोटिंग मशीन एंड मेनी अदर मशीन. अभी डिस्प्ले में वी हैव अ थर्ड मशीन विच इज अ अमेजिंग मशीन, अ वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट, अ वेरी रिफाइंड प्रोडक्ट. दिस इज ग्रासलैंड फेंस मशीन, लेट मी शो यू. जैसे अभी आपने दो फेंसिंग मशीन ऑलरेडी देख चुके हैं, ये तीसरी मशीन है ग्रासलैंड फेंस मशीन. अगर किसान भाई, ये ग्रासलैंड फेंस मशीन का मतलब हो गया ग्रासलैंड, घास की जमीन, यानी एग्रीकल्चर फेंसिंग मशीन. किसान भाई के लिए बहुत बेनिफिट वाली चीज़ है. ये कंपेयर करें चेनलिंग से तो इसके रोल का वजन कम आता है और मजबूती भी बहुत है. आज रोल का वजन कम आने से किसान के लिए बहुत कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ बन जाती है. पूरे वर्ल्ड में एग्रीकल्चर फेंसिंग में इसी तरह की जाली यूज़ होती है. मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इस जाली को अपने यहाँ लगाएं और कॉस्ट सेविंग के साथ अपनी जमीन की, जमीन मतलब फसल धन, फसल भी एक धन है, अपने उस फसल धन की रक्षा करें. तो वायर की थिकनेस वगैरह तुम अकॉर्डिंगली, वायर की थिकनेस 2 mm से 2.5 mm, मोटी जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतनी ज्यादा लाइफ मिलेगी. सर जो मैन्युफैक्चरिंग है सर किधर है ये अपना? ये मैन्युफैक्चरिंग है आबू रोड और चेन्नई. आबू रोड और चेन्नई में हमारा असेंबली यूनिट है पूरा का पूरा. आबू रोड यानी राजस्थान, नियर अहमदाबाद, नियर माउंट आबू, नियर उदयपुर. तो पर्टिकुलर चेन्नई और दिल्ली सब जगह लोग आप लोग हैं? दिल्ली हमारा हेड ऑफिस है. आज हमारा 49 साल से पापा के टाइम से काम है और आज मेरे बेटे यानी कि हमारी थर्ड जनरेशन ऑलरेडी इस काम में आ चुके हैं. तो कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह नेटवर्क भी रखता है? डीलर डिस्ट्रीब्यूटर में हमारे संदीप जी, ये हमारे मालेगांव नासिक महाराष्ट्र के डीलर हैं जो हमारी मशीन्स को, इन फेंसिंग मशीन्स को आगे पूरे महाराष्ट्र में पॉपुलर कर रहे हैं. इनका एक्सपीरियंस हमारे साथ बहुत सालों से जुड़ा हुआ है और काफ़ी मतलब हम लोग 200-250 से ऊपर मशीन महाराष्ट्र में अभी दे चुके हैं इनके साथ मिलकर. वेरी नाइस, वेरी नाइस. मतलब काइंड ऑफ इनहाउस मैन्युफैक्चरिंग होता है सब कुछ? यस. वीडियो में आपको मैं ईमेल आईडी मोबाइल नंबर ऐड ऑन करा दूंगा. आज मेरी कंपनी का नाम है सिक्योर मशीन्स एंड ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड. ये नाम अपने आप में आप ढूंढोगे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, सारी कॉन्टैक्ट डिटेल वहाँ से मिल सकती है. फैक्ट्री प्लांट विजिट करना चाहे कोई वो भी देख सकता है आपका एनी टाइम. आबू रोड की फैक्ट्री की वीडियो मेरी बहुत अच्छी बनी हुई है. वो एक ऐसी जगह बना रखी है जहाँ पे आपको लगे नहीं आप फैक्ट्री में आए, आपको लगे रिसोर्ट में आए हो आप. सो थैंक यू सो मच सर इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए. थैंक यू सो मच.